गुड मॉर्निंग डीएक्सएन फैमिली, आप सभी लोगों का एक बार फिर से इस जूम ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। और आज का दिन भी काफी स्पेशल है। स्पेशल इसलिए है क्योंकि बहुत ज्यादा बहुत प्रतीक्षित प्रोडक्ट का लॉन्चिंग भी आज ही के डेट में है, तो उसके बारे में भी मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहूंगा कि हमारे 5 प्रोडक्ट आज लॉन्च भी होने वाले हैं। और जो प्रोडक्ट लॉन्च होने वाले हैं उसमें कॉर्डिसेप्स, लाइन्समैन, कट चिली विनेगर, मखाना और साथ में आपका राइस ब्रान ऑयल आज लॉन्च हो रहा है। और उसमें एक आपको सूचना ये देनी थी कि जो ये आज की लॉन्चिंग है इसमें आपका आज, कल और परसों यानी 14 दिसंबर तक आप जब नए प्रोडक्ट की खरीदारी करते हैं, अगर 3 प्रोडक्ट 1,000 सिंगल कैश बिल में, 1,000 PV का अगर सिंगल कैश बिल आप कराते हैं और उसमें 3 प्रोडक्ट ये नए प्रोडक्ट कोई भी चूज करके उसमें डालते हैं, तो आपको एक मसाला चाय बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा। ये लॉन्चिंग का एक स्पेशल ऑफर आपको दिया जा रहा है। फिर उसके बाद से आपका कम्बोचा पे ऑलरेडी ऑफर चल रहा है 14+2 का, उसका जरूर फायदा उठाइए। और सबसे बड़ी बात है कि ये सभी जितने भी ऑफर्स हैं ये आपका जो आपका रियल डिस्ट्रीब्यूटर प्रोमो है उसमें क्लब किया गया है। उसमें भी आपका जो भी पीवी ये सबसे बनेगा वो पीवी आपका रियल डिस्ट्रीब्यूटर प्रोमो में गिना जाएगा, उसमें आपका काउंट होगा। तो अभी ये बहुत ही शानदार महीना चल रहा है, 2023 अब समाप्ति की तरफ बढ़ रहा है और इसमें हम लोगों को माइलस्टोन भी बनाना है, बेंचमार्क जिसको बोलते हैं वो बेंचमार्क बनाना है। तो उसको लेकर के ज्यादा से ज्यादा आप पीवी करें और ज्यादा से ज्यादा अपने ग्रुप को आप मोटिवेट करें और ज्यादा से बड़ा वॉल्यूम जो है जनरेट करने का कोशिश करें। तो इसी शुभकामनाओं के साथ हम आपको बहुत बहुत शुभकामना भी देते हैं। और आज जो ये जूम ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम है इसमें एक लेडी है, उनकी जर्नी आप लोग सुनेंगे उनकी जुबानी। वो झारखंड से बिलोंग करती हैं, उनकी जर्नी बहुत ही शानदार रही है अभी तक डीएक्सएन में, और अभी उनका जो ग्रोथ जो है वो काफी फास्ट दिख रहा है और बहुत ही इंजॉय कर रही हैं वो यहाँ डीएक्सएन में अपना जो लाइफ है उसको। तो उनकी जर्नी हम लोग आज सुनेंगे और उससे जाहिर सी बात है एकदम निश्चित है कि हम सभी लोग काफी ज्यादा मोटिवेट होंगे क्योंकि ये जर्नी काफी कमाल का है। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ उनको, उन्होंने अभी फिलहाल ये मलेशिया कॉन्टेस्ट जो है उसको भी उन्होंने क्वालिफाई किया था और उसके साथ साथ जो है अभी लगभग कुछ ही महीने हुए हैं एक बहुत ही शानदार उन्होंने 4 व्हीलर परचेज किया है और उनका बोनस लगातार लगातार बढ़ रहा है क्योंकि उनका वॉल्यूम जो है वो बढ़ रहा है, उनका टीम बढ़ रहा है। तो वो किस तरह से काम कर रही है, क्या उनका माइंडसेट है, क्या सोच रखती हैं वो, किस तरह से उनका क्या टारगेट है, ये सभी चीजें वो हम लोगों को बताएंगी और उनसे हम लोग मोटिवेट होंगे। तो हम बहुत ज्यादा देर ना करते हुए यहाँ पर हम आमंत्रित करेंगे हमारे झारखंड से मिसेज बसंती देवी। बसंती जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको और गुड मॉर्निंग सर। और गुड जितने भी मॉर्निंग बहन। आज हमें सुनने आए हैं सभी लोग, जितने भी डीएक्सएन भाई बहन हैं सभी लोग को गुड मॉर्निंग। और आप लोग से पहले बातें करने से पहले हम अपने गुरु को चरण छू के प्रणाम। हमारे गुरु हैं रोशन भैया, और जो इस दुनिया में नहीं रहे और हमें जो यहाँ पहुंचा के गए हैं, हम चाहेंगे के अग्रवाल सर के लिए भी उनको भी दिल से धन्यवाद और प्रणाम, क्योंकि आज वो नहीं होते तो हम आप लोग के सामने नहीं बैठते। और उन्हीं का देन है जो आज सिखाए हुए बात पर चलते हैं और हर समय चलते रहेंगे, और अकेले महसूस भी नहीं होता है कि हम अकेला हैं, क्योंकि जो सिखा के गए हैं ना तो वैसे पल पल लगता है कि मेरी साथ में है। तो मीटिंग स्टार्ट करने से पहले जो कंपनी को बनाया है और इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म जो बना के हम लोग को बीच में दिए हैं कि यहाँ पढ़े लिखे अनपढ़ भी हर ही लोग को जग यहाँ जिंदगी बदल रहा है जो, तो हम उनको भी चाहेंगे कि कोटि कोटि नमन और प्रणाम डॉक्टर लिन सियोजिन को, और जो हम लोग को भारत में लाए हैं और जो हमें हमारे पास पहुंचाए हैं, तो प्रोफेसर सर और रत्ना मैम को भी दिल से धन्यवाद और प्रणाम। और अब हम डीएक्शन में कैसे आए थे, डीएक्शन प्रोडक्ट के लिए आए थे और डीएक्शन प्रोडक्ट, और हम गढ़वा से हैं, झारखंड से हैं और एक छोटा सा गांव है भोनापुर वहां से हैं, और हम अनपढ़ हैं। नाम तो है बसंती देवी, बाकी साथ में हमारा अनपढ़ के भी डिग्री है,
क्योंकि अनपढ़ के कोई काम भी नहीं मिलता है। बाकी उस समय हमें स्वास्थ्य बहुत ज्यादा खराब हो चुका था आज से कुछ दिन पहले, और स्वास्थ्य के माध्यम लेके हम आए थे डी एक्शन प्रोडक्ट के लिए। तो क्या होता है कि बहुत पैसा लग जाता है, डॉक्टर के पास इलाज कराते कराते थक जाते हैं, नहीं ठीक होते हैं। उसके बाद अपने गांव छोड़ के एक जगह भवनाथपुर में हम आते हैं, जब रहने के लिए रूम छोड़ एक छोटा सा रूम खोजते हैं उसी रूम में रहने के लिए, और बहाना मार के आते हैं बच्चे को पढ़ाने के लिए। बाकी घर में बहुत सा तकलीफ मिलता था, इसके कारण हमें गांव छोड़ना पड़ गया। और गांव छोड़ के जब हम आते हैं तो यहाँ हम काम खोजते हैं, कोई प्रोडक्ट नहीं खोजते हैं, कोई दवाई नहीं खोजते हैं। एक हम काम खोज रहे थे, आसपास के दीदी लोग डी एक्शन प्रोडक्ट के यूज करती थी, खाती पीती थी और बताती थी, उसी जगह में हमें रूम मिला। और उस रूम में जब रहने लगे तो दीदी लोग से मुलाकात होता है, और वो दीदी लोग से हम काम खोज रहे थे। हम पूछते हैं कि क्या जी आप लोग यहाँ रहते हैं कुछ दिन पहले से, कोई काम मिलेगा? तो बोलती है कि कोई काम नहीं यहाँ मिलेगा आपको। और हम एक प्रोडक्ट खाते हैं और उसको बताते हैं, आसपास के लोगों को बताते हैं, तो हमें 5 5 हजार रुपया महीना मिलता है। बाकी हम 5 हजार के लिए नहीं आए थे, हम 500 रुपया का काम खोज रहे थे। हर जगह हम मतलब ढूंढते चल रहे थे कि हमको 500 रुपया के कहीं काम अगर मिल जाता है तो हम करेंगे। बाकी उन लोग बोलती है कि कोई काम नहीं है, मेरे पास प्रोडक्ट है, खाइए पीजिए, अगर ठीक हो जाइएगा तो लोगों को बताइएगा, तो यहाँ 5 हजार रुपया हमको आता है, आपको भी आ सकता है। तो हम बोलते हैं कि कौन प्रोडक्ट है, थोड़ा ला के हमको दिखाइए। तो ला के जब दिखाती है 2 प्रोडक्ट, चाय और एस्पोरोलिना, तो हम उसको देख के एकदम गजब करने लगते हैं। अपने आप से हम सोचते हैं कि हर जगह दवाई कराए तो क्या चाय पीने से या गोलियां खाने से नहीं ठीक होंगे, फालतू चीज है, फंसाए वाला काम है। इस तरीका से हम जितने अनपढ़ थे उतने ज्यादा दिमाग भी लगाए, उनको बोले कि लेके जाइए, हमको नहीं लेना है। बाकी बोलती है बार बार कि हमारे घर पैसा आता है जी, हर महीना में आता है, 10 तारीख को आता है, आपको विश्वास नहीं हो रहा है। 3 महीना तक मतलब वो हमसे रोज बात करती थी, सुबह शाम रोज बात करती थी। और हम क्या किए कि जब बात करने लगी तो बोलते हैं कि ला के अच्छा दे दीजिए। बेचारी लेके आती है मेरे घर प्रोडक्ट, तो उसका दाम जब सुनते हैं कि 910 रुपया उस समय दाम था दोनों प्रोडक्ट का, तो हम नहीं ले पाते हैं, इसलिए कि हम वहां गरीब महिला, हमारे घर पैसा नहीं था, अच्छा से खाने पीने के लिए भी नहीं था, बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाने के लिए भी नहीं था, मेरे पास कुछ भी नहीं था। तो और हमारे घर में 5 हजार भी इनकम नहीं कहीं से आता था। हमारे हस्बैंड जी जो हैं वो घर ही में रहते हैं, क्योंकि पहले हमारे ससुर जी का नौकरी है, सीसीएल में था, बाकी वो रिटायर कर गए। तो क्या होता है कि उनका जो हमारे हस्बैंड जी हैं वो नहीं कहीं काम उम करने जाते थे। जो भी लोग के घर में अगर नौकरी वाले हैं तो बहुत खुश नसीब लोग हैं जो पढ़ लिख के नौकरी पकड़ लेते हैं, क्या कोई अच्छा काम करते हैं। बाकी हमारे हस्बैंड जी को क्या था कि पिताजी के होटल में खाना और ऐसो आराम से घर में रहना, बच्चा पढ़े या ना पढ़े उससे कोई मतलब नहीं था, इसलिए शिक्षित के बारे में इन लोग नहीं जानते थे। और हमको क्या हुआ कि हमको ऐसा लगने लगा कि नहीं, हमारा 2 बच्चा है तो हमको भी पढ़ाना चाहिए, और पढ़ाने की आस लेके अपना गांव छोड़ के हम आए थे तो हम पढ़ा नहीं पाते थे। तो हमारा मन हुआ कि नहीं हम पढ़ाएंगे, तो हम बार बार कहने लगे कि नहीं प्रोडक्ट अच्छा है तो इसको पैसा दीजिए, हमको लेना है। तो हस्बैंड जी पैसा दे ही नहीं रहे हैं और इनके पास था भी नहीं पैसा। तो क्या हम किए कि हम बोले कि दे दीजिए हमको प्रोडक्ट, हमको जैसे पैसा होगा वैसे दीजिए, देंगे आपको। बाकी वो दीदी जो थी वो बोलती है कि आपके पास 100 रुपया होगा तो दीजिएगा, जैसे होगा वैसे दे दीजिएगा, बाकी आज आप प्रोडक्ट ले लीजिए। और हमको प्रोडक्ट दी, हम अपने घर में रख दिए, 15 से 20 दिन चुपचाप रखल था, नहीं खा रहे थे, क्योंकि हम 20 साल से ही हम दवा खाते थे, हर समय गैस के हम दवाई खाते रहते थे। 2 दिन 1 दिन में हम परमानेंट मतलब हम अति हो गए थे दवाई के, कि नहीं खाते थे तो खाने नहीं पड़ता था, हाथ पर में टटाई नहीं, खून के कमी इस तरीका से रहता था, पैर में जलन देना, तो हमको विश्वास हट गया था दवाई पर से, तो इसलिए नहीं खाते थे। बाकी फिर भी हम उसको बोली कि आप खाइए, और मेरे सामने ही खाने लगी बैठ के। दीदी 1 घंटा समझाती है और प्रोडक्ट खाती है, तब तो हमें विश्वास होता है। और बोलती है कि देखिए कहीं के डॉक्टर के पास आप इलाज कराने जाती हैं तो हमको आप बताइए कि कोई डॉक्टर अपना दवा खा के ही नहीं देता है, कितना बड़ा डिग्री है एमबीबीएस के, तो कोई खा के नहीं देता है, आप जो बोलती हैं उसी पर वो इलाज करते हैं और आपको मिलता है, वो विश्वास के साथ आप खाती हैं। तो
इसलिए हम खा रहे हैं, आपके सामने देखिए कि हम खा रहे हैं, और हम नहीं ठीक होते हैं तो आपको हम नहीं बताने वाले थे, इसलिए आप खाना स्टार्ट कीजिए। उस दिन से हमें उन पर पूरा विश्वास हो गया, भरोसा हो गया कि नहीं अच्छा बात बता रही हैं, और हम उस दिन से खाने लगे। 15 से 20 दिन जैसी प्रोडक्ट खाते हैं, गैस कब्जियत में एकदम जबरदस्त रिजल्ट आता है, और हमको चिड़चिड़ापन रहता था और एकदम कभो चक्कर आते रहता था, बाकी वो सब ठीक होने लगा। जब ठीक हो रहा है तब हम पूछते हैं कि अब बताइए कि इसका आउट कुछ होता है आगे मीटिंग वीटिंग, कि कैसे आपको पैसा आता है वो बताइए। तो वो बोलती है कि मेरे घर मीटिंग हो रहा है, चलिए आज संडे है और आप आइए मेरे घर मीटिंग में, और वहां आपको पता चलेगा कि यहाँ एक चीज नहीं मिलता है, 6 चीज मिलता है, और 6 चीज के बारे में बताने के लिए आपको एक भैया आ रहे हैं, चलिए वही मुलाकात होता है। वो दीदी ऐसे बोल के चली गई, और हम तुरंत से क्या हुआ, तैयार हुए, बगले में रहती हैं, और हम तुरंत उनके रूम में जब जाते हैं तो क्या हमें देखने के मिलता है कि 4-5 गो महिला लोग उस मीटिंग में बैठी हुई थी, एक रूम में, छोटा रूम में एक मीटिंग हो रहा था, और उसी रूम में एक नैनो कार से एक भैया आए थे, उनका नीचे में 2 तला पर मीटिंग हो रहा था, नीचे में नैनो कार लगाया हुआ था और ऊपर में जाकर भैया मीटिंग कर रहे थे। तो जब हम सुनते हैं कि बताते हैं कि खाने वाले के पहला स्वास्थ्य मिलता है, और बताने वाले को धन मिलता है, खुशियां मिलता है, जान पहचान मिलता है, कैरियर मिलता है, देश विदेश की यात्रा मिलता है, जब हमको बताया तो हमको बहुत अच्छा लगा। और जब बहुत अच्छा जब लगा तो हमको ऐसा लगा कि हमको पूछना चाहिए कि आखिर मिलेगा कैसे। दीदी तो बता रही है कि बताने से मिलेगा, भैया भी बता रहे हैं, सभी लोग वहां से मीटिंग में उठ के चल गए, कोई नहीं वहां रुके, बाकी वहां हम तुरंत से पूछे, हम पूछे पूछते हैं, और कोई दूसरे नहीं मीटिंग देने के लिए आए थे, हमारे जो महान गुरु हैं, आज जो जिस तरीका से हम मिट्टी के समान थे, एक जमीन के मिट्टी थे, आज हमें आकार जो दिए हैं, आज वो यहाँ बोलने का मौका दिए हैं हमको, तो कोई दूसरे नहीं, हमारे महान गुरु हर पल हमें हाथ पकड़ के सिखाते हैं, डांट के समझ सिखाते हैं कि हमारे वो जो हैं वो रोशन भैया और कोई दूसरा गुरु नहीं, उनको फिर से कोटि कोटि नमन और प्रणाम करते हैं, जो कहते हैं कि दीदी 6 चीज यहाँ मिलता है और आपको मिल सकता है, क्या प्रोडक्ट खाई है। हम कहे कि जी भैया हम 20 साल से दवाई खा रहे थे, वो दवा छूट गया और इसको खाने पीने से हमें जब बहुत अच्छा रिजल्ट आ गया है। तो बोलते हैं कि पैसा चाहिए, हम कहे कि हमको पैसा का तो इतना भूख है ना कि हम जमीन में सूते हैं, बच्चे को हम अच्छे स्कूल में पढ़ा नहीं पाते हैं, अच्छा खाना खिला नहीं पाते हैं, और मेरा सपना नहीं कुछ पूरा होता है, हमको बहुत कुछ चाहत है भैया, बाकी हमको कुछ नहीं लिया पा रहा है, बता दीजिए कि हम क्या करेंगे तो हमारा सपना पूरा हो सकता है। तो हमको बोलते हैं कि दीदी आपको सब कुछ मिलेगा, बाकी आपको बताना पड़ेगा और एगो डिस्काउंट कार्ड बनाना पड़ेगा, एगो आधार कार्ड के 2 एगो हाफ फोटो दे के आप डिस्काउंट कार्ड बना लीजिए, और उसी डिस्काउंट कार्ड से आपको प्रोडक्ट भी मिलेगा, लाइसेंस भी मिल जाएगा घर घर बताने के लिए, और आपको जैसा जैसे आपको प्रोडक्ट खिला के दीदी लाई है, उस तरीका से आप यहाँ 30 महिला को अगर प्रोडक्ट खाने के लिए ले आती हैं तो आपका यहाँ से जिंदगी बदल जाता है। इस तरीका से जब हमारा बताएं और बोलते हैं कि कुछ पैसा लगेगा, तो प्रोडक्ट उधारी लेके खाए थे, हमें पैसा देने के लिए नहीं था, फिर हम पैसा लगे खोजने, हर जगह सबसे मांगने लगे जब पैसा, तो पैसा कोई नहीं दे रहा था, आसपास में नहीं कोई दे रहे थे, इसलिए नहीं दे रहे थे कि आप लोग भैया दीदी को बता दें कि आज बहुत सारे दीदी लोग भैया लोग मीटिंग में जुड़े हुए हैं, मेरे जैसा भी हालत चल रहा होगा, हमारा ऐसा दिन था कि कम से कम जिस रूम से हम अभी मीटिंग दे रहे हैं 4 गो रूम चेंज करके हम बैठे हुए हैं, उस समय ही मेरा 3 रूम चेंज हो गया था, इसलिए चेंज हो गया था कि हम किराया नहीं दे पाते थे, 500 रुपया भाड़ा नहीं दे पाते थे, 6 महीना का भाड़ा हो जाता था तो रूम से निकाल के बाहर कर देता था, जहां तक लेकिन बरसात के दिन में भी हमको रूम छोड़ना पड़ गया था, क्योंकि हमारे हस्बैंड कहीं काम नहीं करते थे और उनका कोई इच्छा भी नहीं था, उनका का नाम था कि आपस घूम के घरे चल जाओ, बाकी यहाँ हमको रहने का पसंद नहीं, हम नहीं रहेंगे, क्योंकि वो खर्चा नहीं दे पाते थे और कमाते भी नहीं थे, कहीं नहीं काम करते थे, और हमारा चाहत था कि नहीं हमें ऐसो आराम वाला हमें काम चाहिए, और ऐसो आराम से हम रहे, हमारा अपना गाड़ी होना चाहिए, अपना घर होना चाहिए, बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाई होना चाहिए, इसलिए मेरे पास ये सब सपना था कि बता दे कि हम यहाँ आके ससुराल में आके और हमारा बीमारी होने के कारण इतना हमें गरीबी को और चले गए थे, बाकी हम बता दे कि हमारे मायके में हमारे पिताजी की भी सरकारी गवर्नमेंट नौकरी है, उन लोग अच्छे तरीका से रहते थे,
भाई लोग को अपना गाड़ी है, उन लोग अच्छे तरीका से घूमते थे, हमारे भतीजे लोग हैं अच्छे अच्छे स्कूल में पढ़ते थे, बाकी उसमें एक हम अनपढ़ थे और हमारा बच्चा भी अनपढ़ रहने का चांस हो गया गरीबी के वजह से। इसलिए हमको लगता था कि नहीं, हमको बच्चा को पढ़ाना है, आपस घूम के नहीं जाना है, मर जाएंगे बाकी आपस घूम के नहीं जाएंगे। इस तरीका से हम अपने हस्बैंड से कभी भी लड़ाई झगड़ा पूरा होते रहता था, कभी भी मिलजुल के नहीं रहना, कभी दोनों से बढ़िया से बातें नहीं होना, इस तरीका से दुख कष्ट को झेल रहे थे। और कोई से पैसा मांग रहे थे तो कोई नहीं दे रहे थे हमको कि नहीं आपके घर पैसे नहीं आता है तो हम दे के भी फंसेंगे नहीं। फिर अपना मायके गए, और जब हम अपने मायके जाते हैं पैसा मांगने, तो मेरे भाई जो हैं उन लोग बहुत लोग पढ़े लिखे हैं, उन लोग क्या कहने लगे कि नहीं पैसा नहीं देंगे क्योंकि ऐसा ऐसा बहुत कंपनी कंपनी आता है, फालतू जगह में नहीं फंसना है, मेरी घर रहो, काम उम करो, यहीं रहो, बाकी इसमें फंसो मत, और इज्जत भी जाता है, ऐसा ऐसा काम करने में इज्जत चला जाता है, गली गली में घूरेगी, नहीं नहीं घूमना है, किसी का घर नहीं जाना है। बाकी हमें उन लोग का बात नहीं सुनाई दिया, ना मेरा भाई का बात सुनाई दे रहा था, ना मेरे हस्बैंड का बात सुनाई दे रहा है, ना किसी का बात नहीं सुनाई दे रहा था, सिर्फ गरीबी के कारण हमें किसी का बात नहीं दिखाई दे रहा था, एकदम हम गरीबी के जंजाल में फंस के मर रहे थे, घुट घुट के जीते थे, हर समय आंख में आंसू रहता था, कभी आंख से आंसू नहीं सूखता था, सभी लोग अच्छा कपड़ा पहनते थे तो हम देखते थे, हमारे बच्चे लोग देखता था सिर्फ, बाकी हमारे लेने का औकात नहीं था। बाकी हम उस दिन शपथ लिए, उस दिन ही हम शपथ ले लिए रोशन भैया के मीटिंग सुन के कि हमें दुनिया का ताकत कोई नहीं रोक सकता है। और उस दिन के मीटिंग में हमें एक महिला को जो दिखाए थे रोशन भैया, उन्हीं का टीम से आते हैं, उनका जब हम चेहरा देखें, उनका जब इनकम सुने, भैया लैपटॉप लेके आए थे, मीटिंग भी दे रहे थे, और उस लैपटॉप में हमें एक वीडियो दिखा दिए, हम उस दिन से शपथ ले लिए कि जब एक कमा सकती हैं भैया के डाउनलाइन कमा सकती हैं, तो उनका डाउनलाइन में हम भी आएंगे और हम भी लाख रुपया कमा के दिखाएंगे, और बहुत जल्दी में ये मेरा सपना पूरा हो जाएगा। इस तरीका से जब हम शपथ लेके खड़ा होते हैं, बहुत पैसा मांगते मांगते थक जाते हैं, ससुराल जब पैसा मांगने के लिए हस्बैंड जी को भेजते हैं, तो उन लोग भी कहते हैं कि अब तोरा यह काम रह गया है कि पत्नी से चाह बेचवाएगा, जाओ अब चाह बेचवाओ, इज्जत के तोरा ठेकान है, नौकरिया का पुतो हो जाएगी, चाह बेचे। तो उन लोग को ही नहीं पता था कि नौकरिया नाम के था, नौकरी जिसके था उनका था, बाकी नौकरी करने वाला का हाल हमरा से वैसी कोई दूसरा नहीं देखा होगा। नौकरी करते करते में पैसा कमाने में शरीर बर्बाद, और शरीर को बचाने में पैसा बर्बाद हो जाता है, मेरे आंख के सामने हुआ है, ससुर जी के हमारा बीमारी हो चुका था, जैसी रिटायर करके बैठे, उस शरीर को बचाने में जितना रिटायर के पैसा था वो उन्हीं को पैसा लग गया, बाकी फिर भी जीवित नहीं रहे। इसलिए हमें उन लोग का बात को सुनाई नहीं दे रहा था और न हमें आंख से दिखाई दे रहा था। हमें ये पता चल गया कि हमें इस मिशन में पहला नंबर स्वास्थ्य मिल रहा है, और दूसरा धन मिलेगा, तीसरा खुशियां मिलेगा, चौथा जान पहचान मिलेगा, क्योंकि हमको कोई जानता भी नहीं है, हम चार दीवारी में बंद है और हम चार दीवार ही में मर जाएंगे, इसलिए हमें पहचानता भी नहीं है, और यहाँ जान पहचान इतना अच्छा है, और चल गया के बाद यहाँ कैरियर है कि इस दुनिया से जिस दिन हम जाएंगे उस दिन हमारा बच्चा को कैरियर भी मिलेगा, अगर हम अनपढ़ हैं बच्चा अगर थोड़ा बहुत भी पढ़ेगा तो उसका कैरियर जरूर हमारा वाला पोस्ट मिल जाएगा। इसलिए हमें उन लोग का बात नहीं सुनाई दे रहा था, और हमें एक बात और सुनाई दिया, और उसको नजदीके से हम अपने आंख से देख रहे थे कि मेरे पूरे फैमिली में, मायके में, उस ससुराल में कोई लोग विदेश नहीं गया था, और यहाँ चांस है कि हर साल विदेश घूमते हैं, तो फिर हम क्यों नहीं कर सकते हैं। इसलिए उन लोग को हमें बात नहीं सुनाई दिया। बहुत लोग को डांट सपट होता है, जब मार खाती है तो छोड़ देती है रिएक्शन, बाकी जितने बार हम मार खाए उतने बार शपथ लेके खड़ा हुए, पैसा कोई नहीं दिए हमें जुड़ने के लिए। मेरे घर हम हर बार जब मीटिंग में आते हैं, आरबीसी पर आते हैं, चाहे यहाँ भी कंपनी मीटिंग में या कहीं भी हम अगर मीटिंग देने जाते हैं, अपना कहानी खुल के बताते हैं कि हमारे जैसा बहुत दीदी लोग, गरीब लोग बैठी हुई हैं, चार दीवारी में बंद है, इसलिए हमें बताना चाहिए हम डी एक्शन में आए हैं कैसे, चावल को बेच के आए हैं, और चावल आया कहाँ से, आप लोग सभी लोग के घर में आता होगा चावल, तो हमारे घर आता था वो हमारे पैदा करके नहीं कोई देता था, कोटा के चावल आता था हमें खाने के लिए, जो कि सरकार देता है, हमारा दो बेटा है और दो पति पत्नी है,
और 20 किलो चावल आता था, 10 किलो चावल को खाते थे और 10 किलो चावल को बचाते थे। 3 महीना के बाद 3 महीना लगातार मीटिंग सुनते रह गए, हर सप्ताह में मीटिंग सुनते रह गए, कभी नहीं मीटिंग छोड़े। बाकी मीटिंग सुनते सुनते में चावल को जमा करके और 30 किलो चावल को बेच के दुकान में और मात्र 1250 रुपया से डीएक्शन में हम आए हुए हैं। ज्यादा अमाउंट लगा के नहीं आए हैं और डीएक्शन ज्यादा अमाउंट के लिए है ये नहीं है। आपको 1 लाख रुपया भी कमाना है ना तो यहाँ 10 से 1000 से होता है, अगर कि दो एको करोड़ों कमाना है ना तो 10 से 1000 से होता है। बाकी उस समय मेरे पास नहीं था तो हम 1250 रुपया से आए। 1250 रुपया से जैसे ही हम आते हैं तो 2 चाय स्पिरुलिना मिलता है। हमारे पास पर्स भी नहीं था टांगने के लिए कि हम घर घर अपना पर्स में प्रोडक्ट को डाल के और ले जाए, वो भी नहीं था। डीएक्शन के प्लास्टिक से डीएक्शन शुरुआत किए और एक लाइसेंस बोतल पानी पीने वाला रोशन भैया आए थे अपने गाड़ी में लेके हमको दे दिए। और क्या, डीएक्शन जो 38 रोग वाला पेपर है जो उसमें लिखा हुआ है बीमारी के बारे में, वो हमें मिलता है और वही हमें रोशन भैया देते हैं और बोलते हैं कि दीदी आपको इसको लेके घर घर घूमना है और घर घर जाके बताना क्या है, कोई पढ़ाई लिखाई के बात नहीं करना है। हम डर रहे थे कि हम अनपढ़ हैं तो हम बात कुछ ही करेंगे जाके, और हमको बोलने भी नहीं आता है। अभी तो हम थोड़ा बहुत बोल भी ले रहे हैं, बाकी उस समय हमें 1% बात नहीं करने आता था क्योंकि गांव देहात से थे और हम अकबकाहट हो जाता था, हमें का बोले कैसे बोले कैची बतियाए। बाकी जहाँ चाहत होता है वहां राहत मिल ही जाता है किसी भी हालत में, और जिसके साथ गुरु है उनको दुनिया का ताकत कोई भी नहीं हरा सकता है। जैसे स्कूल में पढ़ाई होता है हर बच्चे लोग को, उस तरीका से डीएक्शन में भी पढ़ाई होता है। हर पल हम लोग को सिखाते हैं और हर पल हमारे बारे में वो हमारे सपोर्ट में खड़ा रहते हैं, इसलिए हारने की तो बात ही नहीं है। क्या होता है कि जैसे मिलता है बोलते हैं घर घर जाइए अपन कहानी बताइए, आपको बताइए कि क्या ये प्रोडक्ट खाने से ठीक हुआ है, बस यही बात बताइए। और अपना नंबर, जो आप पढ़ल नहीं है दीदी, एक वो पेन रखिए, एक छोटा सा कॉपी रखिए, 5 रुपया के कॉपी ले लीजिए, ज्यादा पैसा नहीं है, 5 रुपया के कॉपी ले लीजिए। अब आप घर घर जाइए अपना नंबर को बच्चे लोग से लिखवाइए, रोज 2-4 गो नंबर को भी बांटिए, जो नहीं प्रोडक्ट लेते हैं नहीं जो समझते हैं उनको दीजिए और उनका नंबर आप कॉपी में लिखवा लीजिए। और रोजीना घर ऐलान के 4 गो से खाली संपर्क बनाइए, रिश्ता बनाइए, भाई बहन का रिश्ता बनाइए, दीदी हाल चाल खाली लीजिए। एक दिन तो आपका ऐसा हो जाएगा कि आज कोई नहीं खरीदेगा, बाकी आने वाला समय में झारखंड में आपका पहला स्थान पर नाम होगा। सब बुला के आपको घरे घर लेंगे प्रोडक्ट, अभी नहीं कोई ले रहा है ना, बाकी आप जाइए प्रयास करना स्टार्ट कीजिए। और सच में उस दिन से हम प्रयास करने लगे। जो हमारी बगल के सीनियर थी जो हमें ले गई थी, खूब से खूब हमारे साथ घूमी होंगी तो 1 महीना, बहुत दीदी लोग ज्वाइनिंग लेती हैं और कहती है कि हमारे सीनियर हमारे साथ घूम नहीं रहे हैं, हमको सिखा नहीं रहे हैं। नहीं दीदी, जिस दिन आप सीनियर के बदौलत आप सीनियर के पैर पर खड़ा रहिएगा उस दिन वो सीनियर ही के सिर्फ पैसा आता है। और अगर जिस दिन आप अगर शपथ लेके खड़ा होते हैं कि सीनियर्स को हम बात से जो हमको बात बताए उस बात पर चलेंगे, और वो बात पर चल के अकेला अगर काम स्टार्ट करती हैं तो बहुत आने वाला समय पर बहुत जल्दी में आप 1 लाख रुपया पर खड़ा हो जाइएगा। ये आप पक्का शपथ लेके खड़ा हुई है क्योंकि इस तरीका से हम कर रहे हैं तभी आज हम बता रहे हैं। और हमें छोड़ दी, ज्वाइनिंग लिए 1 महीना घुमाई, उसके बाद हम सीख लिए, जान गए कि किस तरीका से हमें बतियाना है, लगे हालचाल बतियाने, घर घर जा जाके रिश्ता बनाने लगे, कॉन्टेक्ट रजिस्टर बनाने लगे। बहुत लोग पढ़ लिख के भी कॉन्टेक्ट रजिस्टर नहीं बनाते हैं, बाकी हमें अग्रवाल सर बोले कॉन्टेक्ट रजिस्टर बनाना बेटी सीख जा, दूसरा से नाम पता खाली लिखवा और तोरा कॉपी रहेगा और घर में ला के 4 गो से रोज बतिया। इस तरीका से करने लगे, पहला महीना का बोनस मात्र 75 गो रुपया था, ज्यादा इनकम मेरा नहीं था, 75 गो रुपया था। और 75 रुपया देख के हमारे हस्बैंड जी बहुत एकदम मतलब गजब करने लगे, मारने लगे, छोड़ाने लगे काम कि जल्दी छोड़ो, नहीं जाना है कहीं का मीटिंग में, नहीं जाना है आपको फील्ड में। हम बोले कि देखिए ज्यादा हमको तबाही मत कीजिए, क्योंकि अच्छे तरीका से भरपेट खाना तो खाइए नहीं पा रहे हैं और सपनों को तो कपड़ा तो छोड़ दीजिए, जो चाहत के जरूरत के चीज है वो भी नहीं पूरा पा रहे हैं, तो हमको काम करने दीजिए। और न तो हमें जहां डीएक्शन में आप डिस्टर्ब कीजिएगा तो आपको छोड़ देंगे, डीएक्शन को नहीं छोड़ेंगे।
सुन लीजिए आप कान खोल के, समझ में आया? हमारे हस्बैंड जी कहने लगे कि कैसे पागल हो गई इतना, हमें डीएक्शन में पागल ही बनना पड़ता है। उस बीच में हजारीबाग मीटिंग हो रहा था और हजारीबाग मीटिंग में जाने के लिए 300 का टिकट था, और हमको बोले कि रोशन भैया कि दीदी आप चलिए हजारीबाग मीटिंग में, और यहाँ के कुछ सीनियर भी थे और हमको भी उठा के जब ले गए तो इसलिए हम अपने हस्बैंड को बोले थे कि आगे सुनिए कि हम किस लिए बोले थे, इसलिए बोल गए थे कि वहाँ किसको हम देख लिए थे। जैसे हजारीबाग मीटिंग में जाते हैं तो रत्ना मैम और प्रोफेसर सर के अपने आंख से हम देख के आते हैं, अपने आंख से। और जब देख के आते हैं तो बहुत सा महिला लोग को देखे कि 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख 5 लाख कमाने वाले वहां लोग खड़ा थे। इसलिए हमें आंख एकदम पूरा खुल गया, मेरा दिमाग का ढक्कन जो बंद था वो खुला, और हस्बैंड जी से चैलेंज कर लिए कि नहीं हमको करने दीजिए। और हम अपने दोनों बच्चे को, जैसे हमें रोशन भैया हमें सपना दिखाए, बड़ा बड़ा सपना जगाए, वैसे ही हम अपने अपने बच्चे को साथ हम सपना को डाल दिए कि आप लोग के पास गाड़ी होगा अच्छा, घर होगा अच्छा, कपड़ा होगा अच्छा, जो आप लोग खाना मांगिएगा वो हम खाना आपको बना के खिलाएंगे, जहाँ घूमने के लिए कहिएगा वहाँ आपको घूमने का आजादी मिलेगा, इसलिए आप लोग निश्चिंत रहिए और हमको काम करने दीजिए। और दोनों बेटा से कहे कि हमको आप लोग का सख्त जरूरत है साथ देने के लिए, क्योंकि बेटा हमें साथ चाहिए। और दोनों बेटा हमारा उस समय छोटा छोटा थे और बहुत छोटा छोटा थे, बाकी इन लोग भी अपने सपने की वजह से दोनों बेटा बोले कि हम मम्मी आपके साथ हैं, पापा मरबो करेंगे कुछो करेंगे तो आपको डरना नहीं है, आपको काम करना है, हम आपके साथ हैं। दोनों जब हमारा बेटा हिम्मत बन के खड़ा होता है तो हमें और हिम्मत आता है, और ऊपर में हाथ पकड़ के हमें चलाने वाले मिल गए थे रोशन भैया, तो हमें कोई बात का डर नहीं था और लगे हम फील्ड में घूमने। फील्ड में घूमते घूमते जब प्रोडक्ट के बारे में बताना स्टार्ट किए, दूसरा महीना में आ गया 500 रुपया, और डीएक्शन में ही बसंती देवी आई थी 500 रुपया खातिर। फर्स्ट महीना में जिससे हम मिले थे 500 के बात किए थे, 500 रुपया आया। उसके बाद फिर हमको बता दिए कि होम मीटिंग करना स्टार्ट कीजिए, आप एक गो से जाकर मिलिएगा तो एक ही गो से मिलिएगा, बाकी जहां आप दो चार गो को प्रोडक्ट खिला रही हैं वहां ए गो के नहीं, वो दो चारों दीदी लोग को बोलिए आप लोग चार चार गो के जमा कीजिए वहीं। और एक रूम में बैठा बैठा के होम मीटिंग खाली सिर्फ किए, और होम मीटिंग करने का दिन हुआ कि दूसरे महीना में हमारा 500 रुपया से उठ के 2000 रुपया पर आ गया, 5000 रुपया पर आ गया। जैसे जैसे मतलब होम मीटिंग करना स्टार्ट, फील्ड करना प्रतिदिन 300 दिन, एक दिन भी हम घर में नहीं रहते हैं। आज भी आप लोग को बता दें कि आज भी हम अपने घर में नहीं रहते हैं, अभी हम मीटिंग देने के लिए बैठे हुए हैं, बाकी हमारा एक जगह सेट है मीटिंग, होम मीटिंग, अभी हम मीटिंग देके तुरंत निकल जाएंगे यहाँ से। आज भी रुके हुए नहीं है दीदी भैया लोग, और उस दिन भी नहीं रुके, हम रोज प्रतिदिन होम मीटिंग किए। और होम मीटिंग करने का दिन है कि जैसी मेरा 5000 पार हुआ तो हम हमारे हस्बैंड जी का कह रहे हैं अब छोड़ दीजिए काम, अब आने लगा 5000, अब घरे बैठिए मिलेगा। हम बोले नहीं मिलेगा, 5000 से कुछ ना होने वाला है, 5000 से एगो चपरासी कमाते हैं, यहाँ तो 1 लाख रुपया अभी हमारा आंख से दिखा के गए हैं कि एक दीदी कमा रही है, तो वही जाति से तो हम भी आते हैं, हमें भी 1 लाख रुपया कमाना है, तो हमको बैठना नहीं है, हमको अभी फील्ड में जाना है। फिर भी डिस्टर्ब, और जब डिस्टर्ब किए तो हम रोशन भैया से पूछे कि भैया अभी डिस्टर्ब कर रहे हैं अब क्या करें, तो कह रहे हैं कि कितना वो कमा लेते हैं कहूं जाके। अब कहीं बड़ी अगर कह सुनेंगे प्यार से बतियाएंगे तो जाते हैं 6 महीना कमाते हैं, और 6 महीना में कितना कमाते हैं, खूब से खूब कमाएंगे तो 20-25-30 हजार रुपया, 30 हजार में सीमित हो जाता है, खा पी के इतना ले आए तो बहुत भाग है। तो बोलते हैं कि दीदी उन्हीं का टारगेट बना लीजिए कि हमको अपने हस्बैंड को पार करना है सबसे पहले, और हम का किए कि वही टारगेट बना लिए, और जो हमारा 5000 और 10000 आता था उनका टारगेट बना के, और काम किए अपने हस्बैंड जी से चैलेंज किए, और चैलेंज करने का दिन था तो उनका 6 महीना की इनकम आता था 30 हजार और हमारा इनकम 1 महीना के 35 हजार। 1 महीना में डायमंड बने, और डायमंड बन के और 35 हजार रुपया मात्र 30 दिन के आने लगा, तब जाके हमारे हस्बैंड जी को आंख खुला,
और आंख भी खुला, बोलते हैं कि अब तुम काम करो, फुल टाइम तुम्हारे साथ ही हम हैं, हम कोई डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ना भाई के बात सुनेंगे, ना बाहर वाले आदमी को बात सुनेंगे, ना तुम्हारा भाई के बात सुनेंगे, हम किसी का बात नहीं सुनेंगे, अब सिर्फ हम आपका बात सुनेंगे, आप कीजिए काम। पहले एकदम किसी तरीका से बोलते थे, बाकी अब कह रहे हैं कि अब आप कीजिए काम, हम आपके साथ हैं, इज्जत देने लगे, बढ़िया से बोलने लगे। और क्या होता है कि सपना देखिए कैसे सपना पूरा होता है डीएक्शन में, जमीन में सूतने वाली पलंग पर बैठने लगी, सूतने लगी नीचे जमीन, एक मतलब ये वो कुर्सी, हमारे रोशन भैया आसपास में मीटिंग देने आते थे भोनाथपुर में, तो बता दे दीदी भैया कि हमारे घर एक कुर्सी नहीं था 300 रुपया के बैठाने के लिए, ऐसा मेरा औकात था डीएक्शन से पहले। 1 किलो झोला में प्लास्टिक में चावल, तो 50 ग्राम दाल, तो आज दाल तो कल सब्जी नहीं, इस तरीका से दिन चलता था। बच्चे लोग से स्कूल से बाहर ही निकाल देता था, 6 महीना के फीस बाकी रहता तो हस्बैंड जी स्कूल में मिलने नहीं जाते थे, कहते थे कि तुम नाम लिखवाई है तो हर सपना है तो जाके तुम ही मास्टर से मिलो, हमको नहीं जाना है, हमको बेइज्जती नहीं होना है। और बच्चे लोग लगभग में 3-4 गो स्कूल से बाहर ही निकाल दिया गया था। बाकी धन हो डीएक्शन, शपथ लेके काम करने से क्या हुआ कि कुर्सी नहीं था तो आज बसंती देवी सोफा पर बैठ के मीटिंग दे रही है, वो है डीएक्शन पावर, वो है अपने गुरु का पावर। और ये दो चीज के पावर जिसको समझ में आ गया, जिसको प्रोडक्ट का पावर समझ में आ गया कि जब हमको ठीक कर सकता है तो पूरा दुनिया आने वाला समय में बीमार है, और आज भी बीमार है, और आने वाला समय में बढ़ रहा है बीमारी, घट नहीं रहा है, तो अगर जो चाह जाएगी उसको तो सब कुछ हो सकता है। आज हम बता दे कि लगभग में छोटा छोटा सामान, मेरा चाहत का जो सामान है वो लगभग में आज 6 से 7 लाख के मेरे रूम में सामान रखा हुआ है, जैसे कि कूलर, फ्रिज, अलमारी, दीवान, कुछ नहीं था मेरे पास, हम जमीन में सूते थे, एक गरीब महिला है, एक अनपढ़ महिला है, हमारा कोई पहचान नहीं था, बाकी आज हमारे पास ये सब हो गया। और आपको बता दे कि हमको बता के लाए से देश से विदेश, देश से विदेश, इस साल अभी अक्टूबर में 11 अक्टूबर के मलेशिया गए थे, 20 अक्टूबर के वापस आए हैं, एकदम मस्ती करके बहुत वहां हमें मिले भाई बहन, इतना मिले डीएक्शन में कि हम धीरे धीरे काम कर रहे थे, पहले कर तो रहे थे जुनून के साथ, बाकी उतना नहीं कर रहे थे जितना हमको करना चाहिए था। बाकी जब हम मलेशिया गए और हमारे कोनो अभी भी दोनों जगह के फैमिली में कोई भी आदमी अभी एरोप्लेन पर नहीं चढ़े हैं, बाकी पहला व्यक्ति बने जो अपने खानदान से आते हैं जो कि हम पहला नंबर में चढ़ गए। हमारे भाई लोग बोले थे कि अरे अनपढ़ जाता है मलेशिया, अनपढ़ जाता है विदेश, अनपढ़ चढ़ता है हवाई जहाज पर, बाकी आज साबित करके दिखा दिए, बाकी देन किसका है, हमारे गुरु रोशन भैया का देन है, हमारे गुरु इस दुनिया से चले गए, महान गुरु कहते थे बसंती तुहर बाप हम हैं, तुमको हम भेज के मलेशिया रहेंगे, हम क्वालिफाई नहीं हो पा रहे थे, हम हकीकत बात, दिल के बात बता रहे हैं, हम थोड़ा सा डिसमिस आ गए थे, हम सोच रहे थे नहीं जा पाएंगे, बाकी बोले कि तुमको तो भेज के रहेंगे, तुम करो जैसे हम कह रही है वैसे, हम जैसे कह दिया वैसे कर दो, और हम कर दिए, और हमको भेज के इस दुनिया से चले गए। बाकी फिर भी हमको बोल के गए थे कि तुम हमको गाड़ी पर चढ़ा देंगे हम, तुम खाली सोचो, तू अपने सपना को अपने सोच के चेंज कर दो। हमारे रोशन भैया हर पल जब भी हमारे पास कॉल करते हैं तो कहते हैं कि दीदी इतना बड़ा अपना सपना बना लीजिए ना कि आपका मुसीबत, आपके घर के समस्या उस सपने के सामने बौना पड़ जाए, इतना लंबा आप सपना बनाइए। और उसका देन है कि आज मेरे पास 11 नवंबर के 11 लाख के, और हम जाके अपने ही से कार खरीदे हैं, ये किसका देन है, हमारे गुरु का देन है, रोशन भैया के देन है, हमें हर पल कभी भी हारने नहीं देते हैं, हर कदम में पहला कदम रोशन भैया का होता है तो दूसरा कदम मेरा होता है, ऐसे होना चाहिए। गुरु, हमारे महान गुरु के लिए फिर से नमन और प्रणाम। और आपको बता दे कि हस्बैंड जी को पैसा 35,000 से पार किए थे, आज लगभग में मेरे टीम में कोई 80,000, कोई 50,000,
कोई 30 हजार, कोई 25 हजार, इस तरीका से हमारे टीम में कमाने वाले खड़ा हो गए। हमें उस समय नहीं पता था कि हमें टीम के बारे में सोचना चाहिए। जिस समय हम 35 हजार पर थे, उस समय हमें ये नॉलेज नहीं था। बाकी जब हम मलेशिया गए, तब हमको नॉलेज पता चला, तब हमें वहां एक एक बात को पता चला कि टीम के कमाने वाला को खड़ा करना पड़ेगा, तब जाके हम आगे जा सकते हैं। और वहां से आके और ये काम किए। अभी कल का इनकम, जितने भी हमारे टीम में बहुत लोग को आया, उसका कितना इनकम आया? किसी को 80 हजार आया, किसी को 50 हजार आया, कोई के 20 हजार आया, 25 हजार, 30 हजार, चल मतलब सबको लाइन लगा हुआ है। तो हम हर बार कहते थे कि 80 हजार आया, 80 हजार आया, हमारा आया। हमारे टीम में किसी को नहीं आता था। बाकी आज टीम कमाने वाले खड़ा हो गए, तो अब 80 हजार कहने में भी मजा नहीं आ रहा है। यहाँ 80 हजार कमाने का सिर्फ रास्ता नहीं है, बसंती देवी के अगला इनकम 1 लाख रुपया होने वाला है, 1 लाख। क्योंकि ये जो सिस्टम है डिवेक्शन, उस सिस्टम अपने से चेक भरने वाला है। अपने से आप सोच सकती हैं और कर सकती हैं कि अगला इनकम कितना हो सकता है, अगला इनकम हम कितना कर सकते हैं, जो कि आज हम सोच के बैठे हुए हैं कि अगला इनकम लाख के होगा, और 35 हजार के नहीं, और 30 हजार के नहीं, और 80 हजार के नहीं। अब भुला जाना है, अब नहीं करना है। इसलिए यहाँ रास्ता है 1 लाख रुपया कमाने का। आज हम अपना बता दे कि पूरे फैमिली में, जितना मेरे फैमिली में आते हैं दोनों जगह के, वो कोई आदमी साथ हमको नहीं दिए, बाकी आज साथ देने वाले हमारे गुरु हैं, और पहला व्यक्ति अपने खानदान में है जो 1 लाख रुपया कमाने वाली भी खड़ा हो गई। मलेशिया यात्रा भी हो गया, और हमारे घर में किसी का कार भी नहीं था, बाकी पहला व्यक्ति है जो हमारे पास कार भी हो गया। आज बता दे कि शपथ लेके खड़े थे कि हम अपने मायके में पैसा हमें जुड़ने के लिए नहीं मिला था, उस समय बोले थे कि आपके घर साइकिल से कभी जिंदगी में ना आएंगे। इसलिए बोले थे कि जिसके पास कार है, जिसके पास बाइक है, वो अगर आदमी कार से जाता है बहुत मान सम्मान मिलता है, और जो आदमी बाइक से जाता है उसको कोई मान सम्मान नहीं मिलता है, दीदी भैया लोग। बाकी अभी के डेट में, कल का डेट में, अब हम अपने मायके जा रहे हैं कल, और जा रहे हैं क्या, फोर व्हीलर से। हम कल जा रहे हैं फोर व्हीलर से, हमारा एक मीटिंग लगा हुआ है, हम मीटिंग भी वहां देंगे, भाई बहन से बात भी करेंगे, और अपने मायके भी जाएंगे। सोचिए अब क्या मान और सम्मान मिलने वाला है। मेरे घर बहुत लोग को हम ज्वाइनिंग कर चुके थे पहले से, बाकी कोई लोग नहीं काम करते थे। आज के डेट में बता दे कि पूरे फैमिली मेरे घर में, मेरे भाई जो मना किए थे, आज वो भी डिएक्शन करना स्टार्ट कर दिए। मेरी बहन, वो कहती थी तुम ही गली गली में चाय बेचो, हम नहीं जाएंगे, बाकी आज हमारी बहन, खुद की बहन, वो भी काम कर रही है अच्छे तरीका से डिएक्शन में। आज उनका भी सपना जग गया कि जिस तरीका से दीदी के पास सब कुछ हो गया, हमारे पास भी होना चाहिए। आज मेरी ननद, जो मेरी ननद हर पल अपने भाई को पंचर मार देती थी, बोलती थी आपकी पत्नी पागल हो गई, काहे घूरती है गली गली में, डॉक्टर हो गई, मास्टर हो गई, एक से एक कुछ ना कुछ कहते थे और हमारा दिल को रुवाते थे। आज उन लोग खुशी खुशी कह रहे हैं भाभी नहीं करते तो इस तरीका से जिंदगी नहीं मिलता, अब हमको भी अपने साथ में ले लीजिए और हम भी करेंगे। आज मेरी ननद भी करना स्टार्ट कर दी काम। आज घर में मेरे पूरे फैमिली सब कोई सपोर्ट के साथ खड़े हैं। इसलिए खड़े हैं कि बहुत लोग को क्या देख रहे हैं, अभी आसपास में एक घटना घट गया है, और हम इस शुरू से, हमें शुरुआती से हमें ये दिमाग में चलता था, बहुत लोग अपने पत्नी को छोड़ के, अपने बच्चे को छोड़ के, अपने माँ पिताजी को छोड़ के कमाने जाते हैं। 17 साल, 18 साल उम्र होता है, 15 साल की उम्र में बाहर लोग चले जाते हैं। बाकी यहाँ घर में फैमिली जितना भी है, अगर बता दिया जाए काम करने के लिए, तो क्या कहते हैं कि नहीं, हम ये डिएक्शन को ना करेंगे, हमारा बेटा प्लांट में जाके खटेगा, कमाएगा। बाकी आज के डेट में एक ऐसा घटना घटा कि प्लांट से गिर के लोग मर जा रहे हैं, और जब प्लांट में कमाने जाते हैं तो क्या होता है कि खून, पसीना को खून में बहा के 10 हजार रुपया भेजते हैं, और 10 हजार रुपया घर में आता है तो माँ पिताजी बड़ी खुश हो जाते हैं, कहते हैं हमारे बेटा तो कमाने वाला खड़ा है। बाकी शरीर, गरीब आदमी को शरीर ही पूंजी है, और जिस दिन शरीर चला जाता है उस दिन आप सोचिए आप कहाँ जाइएगा।
जिस दिन आपका शरीर जाता है उस दिन आप दुनिया में कोई नहीं आपको एक पैसा देने वाला, भीख भी आज के जमाना में कोई देने वाला नहीं है, भीख मंगा को भीख भी देने वाला कोई नहीं है। तो सोचिए ना कि क्या हाल होने वाला है आज। इसलिए लोग गिर गिर के प्लांट पर से मर रहा है, लाश आ रहा है इसके कारण। आज घर घर जाके दीदी भैया लोग जितना मीटिंग सुन रहे हैं, जितना को सपना सूत गया है, सपना खो गया है, वो सब को हम लोग को काम क्या है, डीएक्शन भाई बहन को सपना को जगाना, सपना को जगाना, बस सपना को घर घर जगाना स्टार्ट कीजिएगा। आप अगर कि 30 गो महिला दीदी भैया को ले आइएगा डीएक्शन में, उन लोग का जिंदगी बदलेगा, आपका परमानेंट जिंदगी बदल जाएगा यहाँ से। क्योंकि अपने आंख से अभी हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि जब हम मलेशिया गए थे तो बहुत सा क्राउन मेस्टर के टीम से गए थे इंडिया से, और उन लोग को क्या देखे कि कोई के लाख 2 लाख 5 लाख ऐसे इनकम है, और ऊपर जो बैठे हुए हैं जो कि क्राउन मेस्टर बन के बैठे हुए हैं उनका इनकम 36 लाख, तो 32 लाख, तो 30 लाख, तो 35 लाख, लाख में है। बाकी इधर के आदमी के 10 हजार में 5 हजार में सीमित है। कोई सपना नहीं पूरा हो रहा है, कोई अच्छे स्कूल में बच्चे को पढ़ाई नहीं हो रहा है, कोई अपना सपना को ऐसा मार ले रही है कि मतलब जिसको जीना है 50 साल, वो 30 साल और 35 साल में घोलट जा रहे हैं बीमारी लेके और टेंशन से। बीमारी कहाँ से हो रहा है? गरीबी से। गरीबी कहाँ से हो रहा है? सोच ले। आप सोच छोटा रखिएगा आप गरीब रहिएगा, सोच बड़ा कीजिएगा आप अमीर बन जाइएगा। और लोग क्या करते हैं कि खाना देते हैं अपने पेट को। बहुत लोग, जितने आदमी गरीब है वो किसको खाना देते हैं? पेट के। और जो अमीर आदमी है वो किसको खाना देते हैं? दिमाग के। शायद उनका कनेक्शन कट गया है बसंती जी का। आप हमारे साथ बने रहें, मैं एक बार देखता हूं उनको। जैसा आप सभी लोग सुन रहे थे बसंती जी को, उनका जर्नी सुन रहे थे डीएक्शन में, कि किस तरह से उन्होंने डीएक्शन में अपने आप को स्थापित किया, किस तरह से उनका जर्नी रहा, कैसे वो अपना इनकम बढ़ाते गई और किस तरह से उनका टीम आगे निकल गया। तो बसंती जी शायद कनेक्शन इशू था, वो अभी शायद अभी तक नहीं जुड़ी है। तो आप लोगों को मैं एक और सूचना देना चाहूंगा कि गुड आज मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, हम बाहर निकल गए थे तो मेरा ओके ओके इंटरनेट थोड़ा दिक्कत हो गया था। गुड हाँ जी जी मैडम कंटिन्यू कीजिए। जी सर, गुड मॉर्निंग सभी भाई बहन का, गुड मॉर्निंग। तो जाते जाते हम एक बात कहना, आप लोग से कहने के लिए आए हुए हैं फिर से, क्योंकि इंटरनेट मेरा थोड़ा स्लो हो गया था इसके कारण हम बाहर निकल गए थे। तो सोच को बड़ा कीजिए, आप अनपढ़ है पढ़ल है
उससे मतलब नहीं है, अपना सोच को बड़ा कीजिए, और सोच बड़ा रखिएगा तो आपका अमाउंट बड़ा हो जाएगा, हर साल विदेश यात्रा स्टार्ट हो जाएगा। और आपको बता दे, अच्छे स्कूल में बच्चे को शिक्षा मिलना स्टार्ट हो जाएगा, इसलिए हम बता रहे हैं शिक्षक के बारे में कि हम अनपढ़ हैं। अगर पढ़े हुए रहते, पढ़े लिखे रहते, तो आज जो हमें इतना समय लगे इसमें, और 5 साल 6 साल के यहाँ 1 लाख रुपया पर पहुंचने का समय नहीं है, यहाँ 1 साल के अंदर में 1 लाख रुपया कमाने का समय है। उतना एक एक साल बहुत ज्यादा हो गया, 10 ता बहुत ज्यादा हो गया। तो इसलिए आप लोग जितना भी हैं, सोच को बड़ा कर लीजिए ना, तो पूरा दुनिया आपका मुट्ठी में आने वाला है, और बड़ा बड़ा सपना आपका कदम में होगा। इसलिए और बता दे कि अभी जो हमारा जो सपना है, आप लोग को सपना फिर से हम अपना बता दे रहे हैं कि अभी तो 11 लाख के कार आया है, अभी कुछ नहीं आया है मेरे पास, ये तो बहुत छोटा सपना है। बाकी अभी मेरा जो सपना है, बच्चे हमारा तो बड़ा हो गए, हम नहीं पढ़ा पाए उतना बढ़िया से, पैसा नहीं था इसके कारण नहीं पढ़ा पाए। बाकी आने वाला समय में, आने वाला पीढ़ी, मेरे घर जो बच्चा आएगा, वो बच्चा के नाम क्राउन मास्टर होगा, क्योंकि बसंती देवी यहाँ क्राउन मास्टर बनने वाली है बहुत जल्दी में। हम उस लक्ष्य पर काम कर रहे हैं, और बच्चा भी क्राउन मास्टर, और वो बच्चा कहाँ पढ़ेगा, देहरादून स्कूल में पढ़ेगा, क्योंकि हर मीटिंग में जब भैया बताते हैं 7,70,000 फीस देने वाला स्कूल में बसंती देवी पढ़ाएगी, और वो औकात दिया है डीएक्शन। आपको बता दे कि 4 रूम बसंती देवी डीएक्शन स्टार्ट करने से पहले, 3 रूम चेंज, उसके बाद डीएक्शन के करने के बाद भी 1 रूम चेंज, 4 रूम चेंज करके बैठी हुई है, और फिर भी डीएक्शन कर रहे हैं। हिम्मत को नहीं हारे हैं, न जज्बा को हारेंगे, हमारे साथ हिम्मत और सब कुछ मेरे पास है। तो आज हम आपको बता दे कि बहुत जल्दी में डीएक्शन से 1 करोड़ का मेरा बंगला बनने जा रहा है, 1 करोड़ का बंगला बनेगा। और उस बंगला में कितने सा, जो कि 500 का नौकर, 500 का काम बसंती देवी नौकर के खोज रही थी, 5,000 नहीं, 5,000 वाला, 500 वाला हम काम खोज रहे थे। बाकी हमारे बंगला में बहुत सा काम करने वाले भी आएंगे, तो वो औकात दिया डीएक्शन, डीएक्शन प्लेटफॉर्म दिया है। आप लोग को बात करने का जरूरत है, घर घर जाके बात कीजिए, एक दिन भी घर में मत बैठिए। आज हम नहीं बैठे हुए हैं तो आप क्यों, किस लिए बैठ रही हैं? आप यहाँ 5 लाख 10 लाख 20 लाख जितना मन करे उतना कमाइए, बस सोच बड़ा होना चाहिए। और आरबीसी मीटिंग जो शाम के 7 बजे होता है, मेरा एक बार बिजनेस बहुत बड़ा होके 35,000 पर आके, और फिर रिटर्न हो गए 800 रुपया पा गए थे, और थे डायमंड, फिर भी बिजनेस गिरने के कारण फिर क्या होता है, फिर से मेरा बिजनेस जगता है कहाँ से, जब आरबीसी मीटिंग स्टार्ट होता है लॉकडाउन में, तो लॉकडाउन में मीटिंग देखना को स्टार्ट करते हैं, और हमारे रोशन भैया बोलते हैं मीटिंग देखना 7 बजे वाला स्टार्ट कर दीजिए दीदी, और आपका फिर से बिजनेस खड़ा हो जाएगा। मेरा पहले के जितना भी हमारे डाउनलाइन थे, मेरे साथ जितना भी लोग काम करते थे, वो लालच के कारण सब भाग गए दूसरे कंपनी में। हमारा ऊपर का सीनियर जो यहाँ मेरे बगल में रहते थे, और जो हमको डीएक्शन लोग दिए थे, वो भी लोग भाग गए दूसरे कंपनी में, हमको अकेला छोड़ दिए, फिर भी हम हिम्मत को नहीं हारे। आज बता दे कि फेलुअर के जगह में बसंती देवी रहती है। ऐसे भी कहावत में कहा गया है कि एक स्कूल में दो बच्चा पढ़ता है तो एगो चोर बनता है, एगो मास्टर बन जाता है। तो उसी स्कूल में हम भी पढ़ते हैं, बाकी हमें चोर नहीं बनना है, और हमको कंपनी चेंज करने वाला नहीं बनना है, हमको नंबर 1 पर जाना है। तो जब हमारे साथ ओनली फॉर डीएक्शन साथ में है, तो फिर हम क्यों पीछे रहेंगे? फेल है तो आप हो जाइए फेल, हम फेल के बगल में रख के बसंती देवी झारखंड में टॉप करेगी, ये मेरा सोच है। इसलिए हम आज टॉप पर चल रहे हैं, और सब दिन चलेंगे, जब से जिएंगे तब से मेरा टॉप में नाम आएगा, सिर्फ सोच ले आएगा। तो इस तरीका से यहाँ आदमी है, भाग गया सब, आज तक भटक रहा है। आज भी ऐसे भी कहा गया है कि ऐसा फिदरत होता है कुत्ता के, कि सुबह चलता है एकर दुहारी ओकर दुहारी पर, रोटी खातिर एक आधा आधा रोटी खातिर खाए खातिर दौड़े चलता है। बाकी जिसका सपना हो जाएगा ना,
तू इधर उधर भटकेगा नहीं, एक जगह लक्ष्य बना के और एक जगह फोकस कर देगा, और उसको जो पाना है सब एक ही जगह मिलता है। उसका नाम है डीएक्शन, उसका नाम है डीएक्शन। आज हम देने वाले, आज हम किसी से मांगने वाले में से नहीं है, आज देने वाले में से नाम आ गया तो सिर्फ सोच के कारण आ गया। सिर्फ सोचे और पा रहे हैं, सोचे और पा रहे हैं। खाली आरबीसी के मीटिंग देखना स्टार्ट किए और फिर से 14,000 बिजनेस से उठा के आज कहां से कहां लाके पहुंच गया, सिर्फ सोच के कारण, सिर्फ आरबीसी के मीटिंग के कारण। और हम लोग का तो इतना मीटिंग अभी होता है, जूम पर मीटिंग, हर समय जूम पर मीटिंग, और शाम के आरबीसी का मीटिंग। जो आपको मीटिंग में आपको समय मिलता है उस मीटिंग में आइए, और आके आप देखिए अभी 12 बजे के जो हम लोग का कंपनी मीटिंग, इतना बढ़िया कंपनी, इतना बढ़िया। हमारे सपोर्ट में जितना भी लीडर है, बड़ा बड़ा लीडर, आज अनपढ़ के और छोटे छोटे जिनका सपना, उनका बड़ा बड़ा सपना बनाने के लिए आज जो यहाँ सफल हो रहे हैं, उनका लोग मीटिंग लगा रहे हैं। आप देखिए एक दूसरे को देख देख के आप आगे बढ़िए। तो इसलिए हम लोग को आगे चलते ही जाना है, बढ़ते ही जाना है, सपना को बड़ा करना है, सोच को बड़ा करना है, और हम लोग को रुकना नहीं है, हम लोग को रुकना नहीं है, करते चलना है, बढ़ते जाना है। आज कार लिया है 11 लाख के, बाकी बहुत जल्दी में आने वाला समय में कार भी चेंज होगा, करोड़ों को बंगला भी बनेगा, कई अन जगह बनेगा, और नाम पहचान भी अच्छा आज बन रहा है और आने वाला समय में बनेगा। इसलिए सभी लोग को लग के करना है, मिल के करना है, कदम में कदम मिला के करना है, और जाते जाते अपने गुरु को सत सत नमन प्रणाम। और हमारे रोशन भैया इतना सिखाने के जो काम करते हैं, हर पल गार्डिंग करते हैं, उन्हीं का श्रेय जाता है, तो फिर से उनको नमन और प्रणाम करते हैं। और आज जितना भी मीटिंग लोग सुने, उन लोग 1% भी अगर एक गरीबी को अपने दिल में उतारिएगा, सोच को बड़ा कीजिएगा, जिंदगी जिंदगी जरूर बदलेगा। और ये हमारा चैलेंज है आप लोग के साथ। गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू सो मच बसंती जी। तो और काफी इंस्पायरिंग और काफी ज्यादा इंस्पिरेशनल आपका ये सेशन रहा। और निश्चित रूप से हमारे साथ जितने दर्शक जुड़े हुए हैं वो आपसे बहुत कुछ सीखे होंगे आज यहाँ इस मीटिंग में। किस तरह से माइंडसेट किसी भी आदमी का जिंदगी चेंज कर सकता है, इसकी एक जीता जागता एक उदाहरण है बसंती जी। इनका जर्नी यही साबित करता है। और हम आपको बहुत बहुत शुभकामना देते हैं आगे के लिए कि आप इसी तरह से काम करते रहें और अपना जो बोनस है उसको 2 गुना 3 गुना 4 गुना इसी तरह से आप बढ़ाते रहें। हेलो, 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 मेरी आवाज आ रही है तानिया जी? जी, आ रहा है। आप अच्छा, कहाँ रहा है तो गणेश जी? ठीक है ठीक है। एक्चुअली लाइट चली गई थी यहाँ पे, तो बहुत बहुत धन्यवाद बसंती जी को, और आप सभी लोगों को यहाँ पे हमसे हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आप इसी तरह से अपना प्यार हम सभी को दिखाते रहिए। जाते जाते मैं आप लोगों को फिर से एक सूचना दूंगा, सूचित करूंगा कि आज 3 बजे जो प्रोडक्ट हमारा आज लॉन्च होने वाला है उसका आज 3 बजे जूम पे भी प्रोग्राम होने वाला है। और साथ में जितना भी आपका नजदीकी ब्रांच है, ऑफिस है, वहां पर भी आप जाइए और जा करके और जो प्रोडक्ट आने वाला है उसके बारे में जानकारी लीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और आप लोग इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए और 3 बजे अवश्य जुड़े। थैंक यू, थैंक यू।